हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एट अ पार्टिकुलर टाइम ऑफ डे 7 मीटर हाई फ्लैग स्टाफ कास्ट अ शैडो विच इज 8.2 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि दिन के किसी भी एक खास समय में एक जो फ्लैग स्टाफ है, मतलब जो झंडा जो था, हम जिसमें झंडा लगाते हैं उसकी जो पोल है, वो उसकी हाइट जो है 7 मीटर है। ठीक है, उस समय सपोज हम लेते हैं, मान लेते हैं कि जो दिन का 11 बजे 12 बजे, ठीक है, कोई भी लेते हैं, हम 10 बजे लेते हैं, मानते हैं कि दिन के जो होता है, दिन के 10 बजे जो एक पोल है और उस पोल की जो हाइट है 7 मीटर है, और उस पोल 7 मीटर हाइट के कारण जो शैडो बन रहा है वह कितना बन रहा है, 8.2 मीटर लॉन्ग बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच कैस्ट अ शैडो 20.5 मीटर्स इन लेंथ एट द सेम मोमेंट। मतलब होता है उसी क्षण, मतलब जिस समय मानते हैं 10 बजे दिन के 10 बजे दिन के हम जो आपके पोल के हाइट के कारण जो शैडो क्रिएट हो रहा है, उसी समय दिन के 10 बजे ही हम एग्जांपल लेना 10 बजे, तो उसी समय उसी मोमेंट में उसी क्षण जो एक घर भी है, एक बिल्डिंग भी है, और उस बिल्डिंग की जो शैडो वहाँ पे क्रिएट हो रहा है 20.5 मीटर क्रिएट हो रहा है, मतलब बन रहा है। अगर उसका शैडो जो होता है 20.5 मीटर बन रहा है, तो उस घर की, उस बिल्डिंग की हाइट, उस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। देखो, पहली बात तो यह है कि जो भी शैडो क्रिएट होता है, जो भी शैडो बनता है किसी का, वह आपके ये घर का या किसी भी शेप पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब शैडो बन रहा है, उसकी जो लंबाई है, शैडो की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वह डिपेंड नहीं करता है कि आपका घर है या फ्लैग स्टेफ है या कोई भी चीज़ हो, उसके जो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। वह डिपेंड करता है बस कि सूरज जो होता है, जो आपके सन है, वह आपके से कितने दूर है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से वो कितना दूर है। जितना किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज़ से, जैसे पोल हो गया, बिल्डिंग हो गया, उससे जितना दूरी पर होगा उसका शैडो उतना ही ज़्यादा बनेगा। ये नहीं कि जैसे मान लो अगर बिल्डिंग भी आपका 7 मीटर का होता और आपका फ्लैग भी 7 मीटर का होता, तो आपका शैडो, दोनों का शैडो 8.2 मीटर ही बनता, 8.2 मीटर लंबा ही बनता, ज़्यादा नहीं बनता। उसी तरह हमको क्या कर रहा है कि अगर दे रहा है, तो आप समझ लो कि अगर आपकी जो भी फ्लैग स्टेप है, मतलब पोल है, झंडा का जो पोल होता है, उस पोल का जो हाइट दिया 7 मीटर, उस हाइट के कारण शैडो बन रहा है आपका 8.2 मीटर का, तो उसी समय एक घर भी है जिसका शैडो आपको 20.5 मीटर बन रहा है, तो उस घर की हाइट कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप देखो, या तो फ्लैग स्टेप भी ले सकते हो या बिल्डिंग भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, कि इसकी जो शैडो है वो डिपेंड नहीं करता है कि जो भी, अगर मान लो घर का भी शैडो, घर का भी हाइट सेम है और आपका फ्लैग स्टेप का भी हाइट सेम है, तो दोनों कारण जो शैडो बनेगा वो सेम बनेगा। ठीक है, देखो, सपोज मान लो कि यह आपका यह फ्लैग स्टेप है, ठीक है, फ्लैग स्टाफ है, इसके कारण मान लो कि जो शैडो बनेगा, उसके कारण ये उतना ही शैडो बनेगा। अगर आपका घर भी इतना ही होता है, अगर आपका घर इतना ही हाइट का होता है, फिर भी आपके घर का शैडो भी इतना ही लंबा बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा, अगर फ्लैग स्टेप की हाइट 7 मीटर है, तो बताओ, तो 7 मीटर अगर है तो उसकी शैडो बन रहा है 8.2 मीटर। ठीक है, तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है। ठीक है, तो आप हाइट ऑफ द बिल्डिंग लो या हाइट ऑफ द कैस्ट फ्लैग लो, कुछ भी लो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। आपको समझा दिया पहले ही। तो देखो, सबसे पहले हाइट आपको निकालनी है, तो हाइट वाले टर्म को इक्वल के इस साइड लिखो। ये आपको रफली मैं बता रहा हूँ ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए क्या इसमें क्या क्वेश्चन करें। ठीक है, देखो, इक्वल हो गया, इक्वल के राइट साइड में रखो। यह कोई मेथड नहीं है, मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो देखो, ओके, तो आपका कितना दिया हाइट, देखो हाइट जो दिया है आपका 7 मीटर दिया है, तो 7 मीटर को राइट में लिखो, और 7 मीटर फ्लैग स्टाफ के कारण, यह क्या आपका फ्लैग स्टाफ, मतलब 7 मीटर फ्लैग स्टाफ के कारण शैडो कितना क्रिएट हो रहा है,
वह क्रिएट हो रहा आपका 8.2 मीटर शैडो क्रिएट हो रहा। सपोज मान लो कि अगर आपके फ्लैग स्टाफ की हाइट जो है, अगर फ्लैग स्टाफ की जो शैडो बन रही है अगर 1 मीटर अगर उसकी शैडो है, अगर मान लो जो फ्लैग स्टाफ है जो पोल है उस पोल की शैडो अगर आपका 1 मीटर लंबा बन रहा है तो उस फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, ज़्यादा के लिए दिया है और एक के लिए फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, मैं आपको बताया, आप सिंपली डिवाइड करना, मीन 7 बाई 8.2 मीटर। ठीक है, तो मैंने देखो आपको बता दिया है कि फ्लैग स्टेप भी आप ले सकते हो, देखो फ्लैग स्टाफ भी लेके भी सॉल्व कर सकते हो या बिल्डिंग भी लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों केस में आपका सेम है क्योंकि वह आपकी जो शैडोज होता है वह डिपेंड नहीं करता है कि आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी चीज़ है उसकी अगर सरफेस एरिया ज़्यादा, अगर मतलब वह उसकी हाइट, अगर हाइट सेम है और कितनों भी लंबा कितनों भी बड़ा है तो उसकी शैडो सेम ही बनेगी। ठीक है, तो देखो तो अगर एक मीटर का आपका बिल्डिंग होता है, 1 मीटर अगर आपके मान लो घर का शैडो अगर या पोल का शैडो जो होता है 1 मीटर का होता तो उसकी जो लंबाई कितनी होती, 7 बाई 8.2 मीटर। ठीक है, उसी तरह जो अगर आपका जो घर का अब शैडो कितना बन रहा है 20.5 मीटर, तो घर का जो शैडो बन रहा है 20.5 मीटर बन रहा है, 1 मीटर शैडो के कारण इतना मीटर जो है आपकी, देखो 1 मीटर शैडो जो हो रहा है वह इतना मीटर हाइट के कारण हो रहा है, उसी तरह इतना जो था 20.5 मीटर शैडो जो है कितना घर के हाइट के कारण बन रहा है। तो सिंपली जो था क्या करोगे, एक के लिए दिया है ज़्यादा के लिए निकालना है तो क्या करोगे, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 7 बाई 8.2 इंटू जो होता है 20.5। ठीक है, तो देखो तो 7 बाई 8.2 इंटू 20.5, तो आपको पता है जब इस डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर में 1 आएगा और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो देन 1 0 आएगा। तो जब इस डेसिमल को हटाओगे तो उसके बदले 1 आएगा और डेसिमल के बाद एक डिजिट है देन 1 0 आएगा। देखो इस 0 से इस 0 कैंसिल हो गया, सिंपली आपका कितना हो गया, तो आपका वह 7 × 205/82 हो गया। ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे देखो 7 × 5 = 35, हाथ में 3 और 7 × 0 = 0 = 3 हो जाएगा और 7 × 2 = 14। ठीक है, बाई 82 हो गया। जब आप 14/35 को डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या होगा, एक बार में होगा तो कितना आएगा आपका, आएगा आपका 82 आएगा। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 8 नहीं दाहिने लगेगा 14, 14 में से 8 गया तो आपका 6 बच गया। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, कट गया 1100 बच गया, तो कुछ नहीं बचा, 0 कुछ इसका कोई फर्क नहीं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर से आया 5। ठीक है, अब जैसे ही आप 82 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर 7 से डिवाइड कर कितना आएगा, तो यह आपका आएगा 7 × 14 और 8 × 7 = 56, 56 × 57। ठीक है, देन 5 में 4 गया 1, उसके बाद ये कितना हो गया 11, एक दाहिने दे दिया इसे, 11 में 7 गया 4 और यह आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर से ये 41 तो डिवाइड नहीं होगा 82 से, जब 41 आपका 82 से डिवाइड नहीं होगा तो आप एक क्या करो, एक जीरो लोगे, जब एक जीरो लोगे तो आपको एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जब इसे 5 से डिवाइड करोगे तो यह आपका 415 410, क्यों देखो 5 × 10 = 0 और 8 × 5 = 40 = 41, मीन्स ये कैंसिल हो गया, मीन्स जो है 20.5 मीटर जो घर की जो शैडो बन रही थी उस घर की हाइट कितना थी, 7.5 मीटर हाई था। ठीक है, तो अब इसे लॉन्गेज में कैसे लिखोगे, तो लॉन्गेज में लिख के मैं आपको बता रहा हूँ। देखो लॉन्गेज में मान लो कि हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ जिसका कास्ट शैडो ऑफ लेंथ
लेंथ 8.2 मीटर, कितना है उसके शैडो, देखो 8.2 मीटर कितना है आपका 7, ओके 7 मीटर है उसका हाइट है, ठीक है। तो मान लो कि हाइट, इसे लिखना हाइट ऑफ, इसके नीचे देखो यहाँ पे लिख देना, ठीक है हाइट, देखो हाइट, हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ हुज कास्ट अ शैडो, कास्ट अ शैडो जो है ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो कितना होता, अब डिवाइड कर दोगे, मैं बता दिया आपको 7/8.2, ठीक है। अगर देखो फिर हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ हुज कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ कितना, वो आपका 20.5 मीटर, देन 7/8.2 इंटूज होता है कितना होता है 20.5 मीटर, देन सॉल्व कर कितना होगा 17.5 मीटर आपका होता है, ठीक है। आपकी जो बिल्डिंग की हाइट, देखो यहाँ फ्लैग स्टाफ भी लेके सॉल्व कर सकते हो या बिल्डिंग भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्डिंग भी ले सकते, चलो रेड पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ बिल्डिंग भी, बिल्डिंग लेके भी चल सकते हो, यहाँ भी बिल्डिंग लेके चल सकते हो, ठीक है, जो भी आप करके, क्योंकि देखो आपको पहले ही बताया है कि जो जो शैडो क्रिएट हो रही है, जो शैडो बन रही है, वह नहीं डिपेंड कर रहा है कि, अगर नहीं डिपेंड कर रहा है उसके जो साइज के कारण, साइज के कारण डिपेंड नहीं कर रहा है कि, मतलब एक तो आप जानते हैं पोल तो पतला होता है, घर जो था बहुत लंबा चौड़ा में होता है, तो अगर दोनों की हाइट जो सेम है तो दोनों के कारण शैडो सेम होगा, दोनों कारण साइडों से, इसलिए आप यहाँ बिल्डिंग ले सकते हो, फ्लैग स्टाफ भी करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो है, अगर जो घर की जो हाई जो शैडो बन रही थी कितना 20.5 मीटर, जो आपके घर की शैडो बन रही थी, तो उसकी एक्चुअल में उस घर की हाइट कितना थी 17.5 मीटर थी, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।